नंबर थ्री करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर वन समझाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि इन ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस वन। माइनस वन को हमें हर एक एक्सप्रेशन में पुट करना है और उनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, 2x माइनस सेवन, तो 2x की जगह पे हमें रखना है माइनस का 7। तो हमें पता है जो 2x होता है वो 2 इंटू x करने पर ही 2x आता है, तो यानी कि 2 और x का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू रख रहे हैं तो उस वैल्यू का भी उसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए मैं माइनस 2 रखता हूँ तो आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या रखना है हमें, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 माइनस 7। तो अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आगे प्रोसेस होगी वो करेंगे। तो 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस का 2 एंड माइनस का 7। अब यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई वाली तो कंडीशन है नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों सेम साइन है। तो जब हमें पता है जब सेम साइन होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 7 2 9, और बड़ी नंबर जो हमारी है ग्रेटेस्ट नंबर वो है 7, तो उसके आगे का साइन माइनस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, x प्लस टू यहाँ पे रखना है माइनस वन। तो हमें x की जगह पे माइनस, तो ये वाला क्वेश्चन वाला माइनस और x की जगह पे माइनस का 1 मैंने रख दिया और प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2, तो आ जाएगा यहाँ से 3। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी हमें माइनस का 1 रखना है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 और ये प्लस 1। अब यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब माइनस दोनों सेम साइन का जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और 1 इंटू 1 तो 1, तो माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे और लिख लेंगे प्लस 1 और 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस 1। अब 1 और ये प्लस 1, यहाँ से हो गया 2 और 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो ये आंसर इसका हो गया 2x स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे यहाँ पे भी क्या रखेंगे, माइनस का 1 और ये माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर अभी मैंने निकाला तो आएगा प्लस का 1, तो 2 इंटू माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब इवन नंबर होगी कोई भी, अगर कोई माइनस का नंबर है इवन नंबर होगी तो वो नंबर प्लस में हो जाएगी, अगर कोई ऑड नंबर यानी कि 3 5 7 होगी तो वो माइनस का माइनस उसके साथ लगा रहेगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, अभी माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस 2, 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और माइनस 2 कितना आ गया यहाँ से, 1 इसका आंसर हो गया।